सुपर सीटर चलाने के लिए पिछले साल तक 8-9 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेना पड़ता था जिसके पास एबीसी गियर का ट्रैक्टर नहीं है। तो अब वो उनको 8-9 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत नहीं, किसान अपने साधारण हाई लो ट्रैक्टर से भी सुपर सीटर बड़े आराम से आसानी से चला सकता है। मन के अंदर ये संशय था कि अब मशीन ले आएंगे लेकिन बड़ा ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, तो उस चीज़ का भी जो समाधान है पुन्नी कंपनी के द्वारा कर दिया गया है। तो सर इस बार तो आपने ये भी कर दिया कि ट्रैक्टर बदलने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जैसे मैं बता दूं आपको, जानकारी भी होगी सभी दर्शकों को कि पुन्नी गियर ड्राइव के अंदर सुपर सीटर सबसे पहले पुन्नी पिछले साल लेके आया था, उसकी हमने वर्षगांठ मनाई है, 1 साल हो गए। तो इस बार कुछ किसानों के सुझाव पर हमने शुरुआत की है कि एबीसी या हाई लो मीडियम तीन गियर वाला जो ट्रैक्टर है उसकी आवश्यकता नहीं है एक साधारण ट्रैक्टर से, जो हाई लो के डबल क्लच के ट्रैक्टर अमूमन 85% से ज़्यादा किसानों के पास पाए जाते हैं, उन ट्रैक्टर से भी हम सुपर सीडर चला सकते हैं। तो किसान को सुपर सीडर चलाने के लिए पिछले साल तक 8-9 लाख रुपये का ट्रैक्टर लेना पड़ता था जिसके पास एबीसी गियर का ट्रैक्टर नहीं है। तो अब वो उनको 8-9 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत नहीं, किसान अपने साधारण हाई लो ट्रैक्टर से भी सुपर सीडर बड़े आराम से आसानी से चला सकता है। तो दीप जी, एक और ख़ास बात हमने देखी, जब हमने सुपर सीडर मशीनों का सर्वे किया तो उसमें हमने ये देखा कि जिस किसान ने सुपर सीडर मशीन ली थी तो उन्होंने, कई किसान तो ऐसे थे 1 साल में ही अपने मशीन के पैसे पूरे कर लिए, कि उन्होंने मतलब जैसे बिजनेस के तौर पे, जैसे पहले हम अडम्बा की बात करें, वो जैसे गेहूँ निकालने के लिए आसपास के गाँव में जाते, तो इस प्रकार भी जो किसानों ने एक बिजनेस टाइप में भी इस मशीन के साथ काम किया। जी हाँ, वो कस्टमर, जैसे हरियाणा सरकार भी, कृषि विभाग भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि कस्टम हायरिंग पर इम्प्लीमेंट चलें, ट्रैक्टर चलें ताकि किसान की आय बढ़ सके। तो उस तरह से भी किसानों ने बहुत तरह से कस्टम हायरिंग पर कहीं या किराए पर सुपर सीडर मशीनें चलाई थी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। बहुत सारे किसान जो हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसने 430 एकड़ गेहूँ की बिजाई की है, 2-2.5 हज़ार रुपये पर एकड़ वो बिजाई का खर्चा लेते थे। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि अच्छी कमाई का भी एक सोर्स किसानों को मिला है और वो कस्टम हायरिंग पर जाते हैं। और इस बार जो हम सुपर सीडर लेके आ रहे हैं, तो पिछले साल जो सुपर सीडर, जैसे मैं बार बार वहीं पर आ रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट उसकी होती थी सब्सिडी आने के बाद भी सुपर सीडर चलाने के लिए, तो कहीं सोचता रहा किसान कि फिर ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। जी हाँ, अब ये लग आम ट्रैक्टर पर अगर सुपर सीडर चलेगा तो हर किसान की पहुँच में सुपर सीडर आना लगभग तय हो गया। तो सर अब अगर मैं बात करूँ 1 साल के बाद, अब लगातार जो है किसान यहाँ पर अभी कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस प्रकार वो मशीन के साथ, जैसे अब एक किसान सोचता है कि 4 एकड़ के लिए वो क्या मशीन लेकर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जानकारी के अभाव में कि वो जो किसान है अपना उसके साथ बिजनेस भी कर सकता है, किस प्रकार किसानों को जागरूक करना चाहेंगे? देखिए ऐसा है जी, एक हमारा पुन्नी का स्लोगन है, काम आसान खुशहाल किसान, किसानों का काम आसान हो। पहले तो मैं अगर सुपर सीडर की बात करूँ तो 3-4 औजारों से पहले गेहूँ की बिजाई होती थी, पहले उसको आग भी लगानी पड़ती थी, फिर 3-4 तरह के औजार कृषि यंत्र यूज़ करके वो गेहूँ की बिजाई करता था, समय भी बहुत अधिक लगता था, डीजल का खर्च भी बहुत अधिक होता था और ट्रैक्टर की घिसाई भी, अगर ज़्यादा समय लगे तो घिसाई भी ज़्यादा होती। सुपर सीडर से सब काम एक ही बार में होते हैं, तो किसान अगर अपने खर्चे कम करेंगे तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा और किसान के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो किसान खुशहाल होगा। तो काम आसान करेंगे और खुशहाल किसान करेंगे। तो जी बिल्कुल, काम आसान खुशहाल किसान, वाकई ही ये पुन्नी के द्वारा करके दिखाया गया है। और एक बार फिर किसानों के लिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब पुन्नी सुपर सीडर मशीन आप लेंगे तो आपको ट्रैक्टर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी किसानों के लिए कि ट्रैक्टर बदलना पड़ेगा, वो समस्या नहीं आएगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कंपनी के नंबर से जो है संपर्क कर सकते हैं। बने रहें TVN न्यूज़ के।